आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। वन्य जीव सप्ताह 2022 कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। लक्षीवाला नेचर पार्क देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। करीब 12:25 पर शासकीय कार्य के लिए आरक्षित वन मंत्री सुबोध उनियाल, जयवाला के विधायक मौजूद होंगे। ब्रजभूषण गैरोला के साथ वन विभाग के प्रमुख रहेंगे मौजूद। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम वन्यजीव सप्ताह 2022 कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। ब्रजभूषण गैरोला के साथ वन विभाग के प्रमुख रहेंगे मौजूद। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल, जुवाला के विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चपाक का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं, लक्षीवाला नेचर पार्क देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल, देवाला के विधायक होंगे मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ जानकारी है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर? धामी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और वन्य जीव सप्ताह 2022 की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, वो पहुंचे हैं। ब्रजभूषण गैरोला जो की दोबारा के विधायक है, वो पहुंचे हैं। तमाम फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, तो ये आज से शुरुआत हो गई है। पूरे प्रदेश में ये शुरुआत होने वाली है, अगले 7 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे, जिसकी आज बताया जा रहा है कि ये एक जन जागरूक कार्यक्रम है, वन्य जीवों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके अलावा तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अन्य विधायक भी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग पहुंचे हैं और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो वन्य जीव है उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनका संरक्षण कैसे हो, इसको लेकर पूरा कार्यक्रम है जो अगले 7 दिन तक चलेगा। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, आज दोईवाला से शुरुआत हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत दोईवाला के लक्षीवाला नेचर पार्क से हो रही है। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, सुबोध उनियाल जो की वन मंत्री है वो पहुंचे हैं, दोईवाला के विधायक है वो पहुंचे हैं, इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी हैं फॉरेस्ट के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वन्य जीव राजा जी नेशनल पार्क जो है इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो एक बड़ा कार्यक्रम है जो अगले 7 दिन तक चलने वाला है। जी ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि ये कार्यक्रम अगले 7 दिनों तक चलने वाला है, जैसे कि जानकारी हमारे संवाददाता अभी दे रहे थे। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। वन्य जीव सप्ताह 2022 कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। ये कार्यक्रम अगले 7 दिन तक ऐसे ही चलने वाला है, तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बारह बजे शासकीय कार्य में आरक्षित